अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास फिजिक्स के यूनिट नंबर 10 के शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आज आप लोगों से मालूमात को शेयर कर रहे हैं। यूनिट नंबर 10 में आपके एग्ज़ाम 2023 के हवाले से जो शॉर्ट क्वेश्चन एग्ज़ामिनर ले सकता है या अहमियत के हामिल हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। जिस जिस जगह से जो जो टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन का बन रहा है वो सारे सवालात आप लोगों को बताऊंगा, आप उन पर निशान लगा लें या नोट कर लें। इन्हीं में से यूनिट नंबर 10 से जो शॉर्ट क्वेश्चन एग्जामिनर लेगा वो इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में से होंगे। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, हुक का कानून, इसका आप साथ फार्मूला भी लिखेंगे, रीस्टोरिंग फोर्स, एम्पलीट्यूड, सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो खसूसियात, डैम्प्ड ऑसिलेशन, वेव यानी कि वेव की तारीफ, सादा पेंडुलम के टाइम पीरियड का फार्मूला बताना है आपने, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ, वाइब्रेशन से क्या मुराद है, वेव की कितनी इकसाम है, टाइम पीरियड की तारीफ, केमिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, फिर है वेव्स की रिफ्लेक्शन, वेव्स की रिफ्रैक्शन, अलग अलग क्वेश्चन है जी, वेव्स की डिफ्रैक्शन, फिर आपका क्वेश्चन है कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस, बहुत अहम सवाल, ट्रांसवर्स वेव्स, फिर है क्रस्ट, डिफाइन क्रस्ट, डिफाइन ट्रफ, वेव लेंथ की तारीफ, वेव की मसावात, रिपल टैंक की तारीफ, रिपल टैंक की तारीफ, इसकी एक मुख्तसर सी तारीफ है, बुक्स में कम मिलती है। रिपल टैंक एक ऐसा आला है जो वेव पैदा करने और उनकी खसूसियात के मुताले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है यूनिट नंबर 10 में, यही आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे, जितने भी हम हल कर सकते थे निकाल सकते थे वो आपको बता दिए हैं। इससे अलावा इस चैप्टर में कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं बचता, आपने ये लाजमी तैयार करने हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट नंबर 11 और यूनिट नंबर 12 के शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।